और मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर के संकटों के बीच भी मध्य प्रदेश सहित पूरा देश तेजी गति से काम कर रहा है, विकास हो रही है, तो इसकी वजह है आपका एक वोट। साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार भारत की मिट्टी के कण कण में है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश की इस मिट्टी को धोखा दिया है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है, फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंग्लैंड में भी भारत भारत होता है कि नहीं होता है, आपने देखा होगा कल इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे, दुनिया में हर जगह पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है, आपका माथा ऊंचा रहा है। ये दुनिया में भारत का नाम क्यों ऊंचा हो रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है? आपका जवाब सही नहीं है, ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है, जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ है। ये आप लोग हैं जिन्होंने देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है। मेरे परिवारजनों, नीमच का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। यहां आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बनाया गया था। ये धरती सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है और नीमच के फुटबॉल प्रेम की किसे तो पूरे देश जानता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है, फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला, आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामों निशान मिट रहा है। एमपी में भी दो दशक हुए हैं, ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर
सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है।